तो यार आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपको ऐसा लगता हो कि कोई लड़की मुझे अब छोड़ने वाली है, या फिर मेरी गर्लफ्रेंड है मुझसे अब सही तरीके से बात नहीं कर रही है और हमारा रिलेशन ज़्यादा टिक नहीं पाएगा, वो मेरे को छोड़ देने वाली है, तो फ्रेंड ज़्यादा भी घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको बस कुछ नहीं करना, इस वीडियो को एंड तक देखना है, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी आपको करना क्या है ऐसा जो लड़की आपको वो छोड़ के कभी ना जाए। इसके ऊपर बहुत सारी कमेंट आ चुकी है दोस्तों, सोचा मैंने चलो यार इसकी वीडियो के जवाब मैं आपको कमेंट नहीं सीधा वीडियो में ही डायरेक्टली आपको बताता हूँ कि होता क्या है। अगर अभी तक आपने हमारे अगर सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज यार उस चैनल को जाए और सब्सक्राइब करिए। मैं उस चैनल पर आपको ऐसे ऐसे मोटिवेशन, ऐसे ऐसे टिप बताने वाला हूँ जो शायद मैंने चैनल पर भी आपको नहीं बताए थे। तो जाओ यार, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप जाके क्लिक करके सब्सक्राइब करो प्लीज मेरे भाइयों। साथ ही साथ फ्रेंड आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, जिससे कोई भी हमारा नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। और आपको वीडियो एंड तक देखने में अच्छी लगे तो प्लीज यार लाइक शेयर जरूर करना। तो चलिए यार ज्यादा टाइम पास किए ना, शुरू करते आज इस वीडियो को। आपको पहला काम ये करना है कि ऐसी आपको नौबत आने ही नहीं देनी है, मतलब कि जब आपको लगे कि आपकी वाली आपको छोड़ने वाली है या फिर आपका पार्टनर आपको छोड़ने वाला है, तो सबसे पहले तो आप ये करें फ्रेंड कि आप उसको स्पेशल फील दिलाएं, जैसे कि उसे प्यारी प्यारी गिफ्ट दें, उसको प्यारी प्यारी बातें करें उसके साथ, और उसे जितना हो सके उतना उसे क्लोज करें। और ये बात ध्यान रखें कि वो बिल्कुल भी इरीटेट नहीं होने चाहिए आपसे, उस लड़की को बिल्कुल भी ना लगे कि आप एकदम टाइम पास टाइप के हो या फिर आप काफ़ी सैड टाइप के हो, आप उसको मज़ेदार बातें नहीं बोल सकते हो, तो ऐसे में तो फ्रेंड यही होगा ना कि वो आपसे दूर हो जाएगी। बट यही अगर इसके जगह आप दूसरी चीज़ करोगे, जैसे कि उसको हंसाओगे, उसको कॉमेडी फील करोगे, भले ही आपको कॉमेडी करना नहीं आती, मिमिकी करना नहीं आती, बट आप कोशिश भी करोगे ना उसी से ही आपका पार्टनर हंस पड़ेगा। इससे आपका ये फायदा होगा कि वो लड़की आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाने वाली है। क्यों? क्योंकि वो फिर आपकी केयर और इंपॉर्टेंट समझ जाएगी कि उसके लाइफ में कितना तगड़ा रखा जाता है। फ्रेंड अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर कभी आपको छोड़ के ना जाए, तो आप फ्रेंड कुछ और भी कर सकते हो, जैसे कि उसकी आप हर एक वक्त पे हेल्प करो, जितना भी उसको लगता है कि अब इसको हेल्प की जरूरत पड़ गई है तो आप उसको हेल्प करो, कि उसको लगे कि आप उसके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, आप उसको कितना इंपॉर्टेंटली लेते हो, कभी आप उसको मजाक में नहीं लेते हो, हमेशा उसकी केयर करो, रिस्पेक्ट करो, कि उसको लगे कि यार ये बंदा जैसा कहीं भी नहीं मिल सकता है मेरे को, तो छोड़ के जाने की तो दूर की बात। तो फ्रेंड इस तरीके से ना वो आपको कभी भी छोड़ कर नहीं जाएगी। और फ्रेंड आपको अगली टिप ये है कि फ्रेंड अक्सर मैंने ये बताया नहीं है बट आपको आज बताने वाला हूँ, चलो इसलिए ध्यान सुनना फ्रेंड, आपको इसमें ये करना है कि जब भी आपको लगे ऐसा कि भाई मुझे मेरी पार्टनर मुझे छोड़ने वाली है या फिर मेरे को लगता है ऐसा कि अब मेरे से ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस नहीं टिक पाएगा, तो फ्रेंड आपको ये करना है कि जो जो आपने प्यारी प्यारी लम्हा प्यारी प्यारी बातें उनके साथ बिताई है वो सारी बातें आपको उसको याद दिलानी पड़ेगी। मतलब कि आप उसको ये बताओगे, क्या तुझे पता है जब अपने लोग क्लास में थे तो तू कैसे करके मेरे को बुक के मारी थी, मेरे आँख में लग गई थी यार, पर मुझे कुछ हुआ नहीं था, पर तू कितना डर गई थी, या फिर उस दिन तुझे पता है मैं कैसे उस दिन एक लड़के को देखा था वो कैसे गिर गया था, तो कैसे हंस रही थी यार, मेरे को भी बहुत हंसी आया बट तेरे को कुछ ज़्यादा हंसी आ रही थी। मतलब कि उससे ऐसे प्यारे प्यारे अगर बातें उसको याद दिलाओगे ना फ्रेंड, तो 100% मैं यकीन से बोल सकता हूँ कि वो आपको छोड़ के नहीं जाएगी। इसमें ऐसा फ्रेंड आपको क्यों करेगी वो, क्योंकि उसको पता चलेगा कि आप उसके पुरानी से पुरानी बातें याद रखे हैं, तो समझ में आता है उसे कि आप उसको कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, कितना केयर करते हैं, जो आप उसके हर एक बातें याद रखते हैं। फ्रेंड अधिकतर लड़की को वही लड़के पसंद आते हैं जो उसके बारे में केयर करता हो, जो उसके रिस्पेक्ट करता हो, इतना ही नहीं सभी लड़कियों की रिस्पेक्ट करता हो, उन सबसे सही तरीके से बोलता हो, तो फ्रेंड उससे तो लड़की कभी भी दूर जा ही नहीं सकती, उसकी गारंटी तो मेरे से ले लो आप फ्रेंड लिख के। फ्रेंड अगर आपको ऐसा लगता हो कि मेरी पार्टनर मुझे अब सची में छोड़ने वाली है, तो फ्रेंड आप उससे बातों पे ध्यान डालें कि आपने वैसे गलती कौन सी की जिसके कारण आपके पार्टनर आपको छोड़ना चाहती है, क्योंकि फ्रेंड अक्सर ऐसा होता है कि बात कुछ और होती है और हम करने कुछ और लग जाते हैं, तो इसलिए फ्रेंड आप उस बात के बारे में पता लगा कि मैंने ऐसी कौन सी गलती की या फिर मैंने कौन सी ऐसी बात बोल दी है जिसके कारण वो मेरे को आज छोड़ने वाले पे नौबत आ गया, तो फ्रेंड आप इस बात पर ध्यान डालें, उस बात को ठीक करें। जैसे कि हमारे बॉयज़ों में बहुत से ऐसा होता है कि हमारे पास ऑलरेडी अगर गर्लफ्रेंड होती भी है तो भी हम किसी लड़की से हाई हेलो कर लेते हैं, तो किसी को गलत मिस्टेक हो ही जाता है कि लगता है इसके साथ ही रिलेशनशिप करने वाला है, तो फ्रेंड आप उसको जता सकते हैं साफ साफ कि नहीं मेरी वो सिर्फ दोस्त है और दोस्त से ज़्यादा कुछ नहीं, तो फ्रेंड इस तरीके से भी वो लड़की समझ सकती है आपके दिल की बात और वो आपको छोड़ के कभी भी नहीं जाएगी। और फ्रेंड अगर आप चाहते हो कि इस बारे में पार्ट टू बनना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो यार, मैं पार्ट टू भी बना सकता हूँ। और फ्रेंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सारे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड फ्रेंड हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ भाइयों हाथ जोड़ के बोलता हूँ यार प्लीज़ यार उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए यार। आपको लगता हो कि वीडियो देखने में अच्छी लगी है और इस वीडियो से थोड़ी हेल्प हुई है तो प्लीज़ यार एक लाइक जरूर करना आप अपनी तरफ से यार, फ्रेंड हो सके तो शेयर भी करना यार। शेयर करने से ये होगा कि हमारी वीडियो की क्वालिटी बढ़ती जाएगी एंड आप जो जो टिप बोलोगे वो सभी वीडियो पे आती जाएगी, तो इसलिए प्लीज यार शेयर करना है कि हमारा ग्रुप और बड़ा हो सके। धन्यवाद दोस्तों आपने इस वीडियो को पूरा देखा, मिलते हैं अगली बार प्यारी से वीडियो से, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।